पीएम मोदी यूपी में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी एटा में जनसभा करेंगे। एटा में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रामलीला ग्राउंड में रैली करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, फरुखाबाद और कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे फरुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे औरैया के बिथुना में जनसभा करेंगे। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस बीती रात करीब 1 बजे हादसे का शिकार हो गई। हादसा कानपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर रूमा कस्बे के पास हुआ। हादसे में कई यात्री घायल हुए। वहीं रेलवे ने गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 25,000 की मदद का ऐलान किया है, तो वहीं मामूली घायलों को 5,000 रुपए की मदद देने की बात कही है। अस्पताल में भर्ती सभी घायलों का हाल जानने के लिए रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे। पूर्वा ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक शुरू करा दिया गया है, साथ ही क्षतिग्रस्त ट्रैक को भी लगातार ठीक करने का काम जारी है। रामपुर में एसपी उम्मीदवार आजम खान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रो पड़े। उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए कहा, रामपुर में गरीबों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के घरों में पैसा नहीं है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी ने कांग्रेस की न्याय योजना का विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुर्गा कुंड स्थित आनंद पार्क में हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें भीख नहीं चाहिए बल्कि युवाओं के लिए रोजगार देने के पीएम मोदी की तरह रोडमैप चाहिए। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को अमेठी पहुंचकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 5 घंटे तक मैराथन बैठक की। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों के मुताबिक उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। मायावती के पीएम मोदी पर दिए बयान पर अमर सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मायावती 3 बार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी है। अमर सिंह ने आजम खान पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने इशारों में आजम खान को रावण कह दिया। अमर सिंह ने आजम की तुलना खिलजी रावण जैसे किरदारों से कर दी। बाराबंकी में बीजेपी नेता रंजीत बहादुर पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन करेंगे। पीएम मोदी 25 अप्रैल को दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले बीएचयू चौराहे के पास पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपना रोड शो शुरू करेंगे। बाहुबली अतीक अहमद को बरेली जेल से नैनी जेल ट्रांसफर किया गया है। जेल विभाग ने अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल भेजा है। बिजनौर में बीती रात बस और बाइक की टक्कर में एक नाबालिग सहित 2 की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। कौशाम्बी में बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर का विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आईजी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अमरोहा पुलिस फोर्स लोकसभा चुनाव के 3रे चरण के मतदान के लिए रवाना हो गई, जिसके लिए बकायदा पुलिस लाइन में एसपी ने पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग की और उन्हें चुनाव कराने के नियम कायदे समझाए। बागेश्वर में मतदान करने पर डौला ग्राम पंचायत ने 10 परिवारों का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, डौला ग्राम पंचायत ने मतदान न करने का फैसला लिया था। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपने विवादित बयान पर भी सफाई दी और कहा कि मेरे दिल में जो था वो बोला, मैं अल्पसंख्यकों का बहुत सम्मान करती हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। 22 साल पुराने हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। रामपुर में अमर सिंह जयप्रदा के लिए प्रचार करते नजर आए। अमर सिंह ने रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा के लिए वोट मांगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है के नारे लगाए। केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रैली करने कानपुर पहुंचे थे, इस दौरान चकेरी एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कानपुर में प्रियंका गांधी की गाड़ी से कांग्रेस कार्यकर्ता सहित कवरेज कर रहे पत्रकार गिर गए, हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने फिर मुस्लिम कार्ड खेला। मुरादाबाद की रैली में आजम ने धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की। आजम खान ने कहा कि तमाम मुस्लिम एक हो जाएं, नहीं तो बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ जाए। पीएम मोदी की जाति पर मायावती की ओर से उठाए गए सवाल को अखिलेश यादव ने भी जायज बताया। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी कागज पर ओबीसी हैं, इसकी जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए ही मिली। बरेली के आंवला लोकसभा क्षेत्र में एसपी बीएसपी गठबंधन की साझा रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चाय वाले बनकर आए थे, अब चौकीदार बनकर आए हैं, इनसे सावधान रहें। मछली शहर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामचरित्र निषाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा गोरखपुर की पिपराई सीट से पूर्व विधायक राजामती निषाद और उनके बेटे अमरेंद्र निषाद ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम।
अखिलेश यादव ने कांग्रेस को देश की सबसे धोखेबाज पार्टी बताया। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल एक जैसे। उन्नाव में गठबंधन प्रत्याशी के लिए एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि मोदी सरकार के सभी दावे झूठे साबित हुए। गठबंधन से बीजेपी हिली हुई है। प्रदेश की जनता अखिलेश के विकास को याद कर रही है। मुरादाबाद पहुंची साध्वी प्राची ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा, आजम खान के खानदान का डीएनए खराब है। वहीं साध्वी ने आजम खान के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग की। अमरोहा में 18 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान में हुई फर्जी वोटिंग की शिकायत में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की माने तो महिला ने बुरका पहनकर फर्जी वोटिंग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने की घोषणा के खिलाफ कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा है कि क्या यह रिश्वत देने की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगरा के हरी पर्वत इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में कबाड़े के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम के पास खड़ा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएम मोदी पर बनी बायोपिक को लेकर उठे विवाद पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर किस नियम के तहत चुनाव आयोग ने फिल्म पर पाबंदी लगाई। हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, यूपी सरकार से नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में 2017 प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी पर हुई जांच के बाद सामने आई रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर राजभवन ने जवाब तलब किया। देहरादून में जारी आपात सेवा 108 के पहिए 24 अप्रैल से थम सकते हैं। नई कंपनी को संचालन का जिम्मा मिलने के बाद पूर्व में सेना सेवा दे रही कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी पर संकट नजर आ रहा है, जिस वजह से लोग हड़ताल पर जाने की रणनीति बना रहे हैं। आगरा के एतमादपुर के गांव भागोपुर इलाके में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मथुरा के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद एक बर्फ की फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से कई लोगों की हालत बिगड़ गई। करीब 12 से ज्यादा लोग गैस की चपेट में आ गए। 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद मुस्लिम समुदाय में एक साथ 3 तलाक देने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सहारनपुर में अतिरिक्त दहेज के रूप में 3 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर एक महिला को 3 तलाक दे दिया गया। फरुखाबाद में रन फॉर वोट को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने एक मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया।